प्रति माह दिनांक 26 को वैद्य नानक चंद जी चरण छाया रुक्मिणी विहार वृंदावन में बैठेंगे। बहुत अच्छी बात। तो कई महीने से चर्चा थी कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, और प्रभु ने कृपा की, वैसा हो गया। प्रत्येक महीने की 25 तारीख को हमारे नानक जी यमुनानगर से प्रति माह आते हैं, संतों का निःशुल्क उपचार करते हैं, और पूर्व 17-18 सालों से प्रति माह आते हैं राधा कृष्ण परिवार गोवर्धन में। तो अब यहाँ चरण छाया में हम आ गए, तो हमने नानक जी से कहा भी था, लेकिन अभी बात विचाराधीन थी, लेकिन हमारे पास अभी भी समाचार आया है कि नानक जी ने स्वीकार कर लिया। तो प्रत्येक महीने की 25 तारीख को संतों के लिए, जो गोवर्धन राधाकुंड बरसाने के नंदगांव के संत हैं उनके लिए गोवर्धन में प्रत्येक महीने की 25 तारीख को, और जो वृंदावन मथुरा गोकुल के संत हैं उनके लिए 26 प्रत्येक माह की 26 तारीख को नानक जी आएंगे चरण छाया में। इसी जगह जहाँ पर इस समय मैं बैठा हुआ हूँ, ये चरण छाया का सत्संग भवन है, यहाँ या इसके ऊपर वाली बिल्डिंग में, जैसा भी है निश्चित करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा वृंदावन के जितने भी संत हैं, किसी प्रकार की कोई शारीरिक परेशानी है, आप आकर के हमारे वैद्य जी को दिखा सकते हैं और निःशुल्क अपना उपचार करा सकते हैं, कोई फीस नहीं है। इतना अवश्य कहेंगे कि अपना आधार कार्ड अवश्य लाएं, और ये भी मैं कहूँगा कि किसी भी महीने की 25 तारीख को आप गोवर्धन जाकर के अपना सेवा सुख कार्ड बना ले। राधा कृष्ण परिवार की तरफ से सेवा सुख कार्ड समस्त संतों के बन रहे हैं। इसका लाभ क्या होगा संतों को, यदि सेवा सुख कार्ड उनका बन गया तो इसका लाभ क्या होगा, तो इसका लाभ ही हो गया उनको जीवन उपयोगी संतों को, पूरे ब्रजमंडल के संतों को जीवन उपयोगी कोई भी सामग्री, जैसे वस्त्र, किसी भी प्रकार के गर्म कपड़े, मौसम के हिसाब से मच्छरदानी आदि, जूते चप्पल, कुछ भी कंबल आदि, छाता बरसातों में, किसी भी प्रकार की जो उनके भजन में सहयोगी हो, या माला झोली, तिलक कंठी, कोई भी वस्तु जो भी उनके भजन में सहायक सिद्ध होगी, जीवन उपयोगी सामग्री, वो संतों को निःशुल्क प्राप्त होगी राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट से। किसी प्रकार का कोई वस्त्र चाहिए वो भी उनको उपलब्ध होगा। यहाँ तक कि भोजन की व्यवस्था नहीं तो उन संतों के लिए भोजन की व्यवस्था होगी। यहाँ तक कि यदि उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं, छत नहीं है, कुटिया नहीं, तो उनको एक कुटिया भी जीवन भर के लिए मिलेगी, और बीमार पड़ गए तो दवाई भी उनको निःशुल्क प्राप्त हो जाएगी। ये है सेवा सुख कार्ड का लाभ। ये इसलिए राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट ने ये कदम उठाया, इसके पीछे भगवान की तो प्रेरणा ही है, इसलिए कि संत घर छोड़ के जब आते हैं तो यहाँ रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में भजन में विघ्न पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि सब कुछ तो त्याग आए हैं, शरीर थोड़ी त्याग है, शरीर तो समय पे भोजन भी मांगेगा, दिन में दो दो बार, कम से कम एक बार तो मांगेगा ही यदि तपस्या भी करें तो, और इसको ढकने के लिए शरीर को वस्त्र भी चाहिए, बीमार पड़ गया दवाई भी चाहिए, इस शरीर को एक छत भी चाहिए, ये सब शरीर को चाहिए। पहले ज़माने में जंगल थे, गुफाएँ थी, कुटियों में कहीं भी कुटिया बना करके रह जाते थे घास फूस की संत। अब तो कोई ना सरकारी ज़मीन और ना कोई प्राइवेट अपनी ज़मीन देने को तैयार है संतों के लिए। ऐसे स्थिति में जब संत आते हैं तो उनको विघ्न बाधा पड़ती है, और वो फिर इन सब की व्यवस्था के लिए उनको धन की आवश्यकता पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है, फिर जन संसर्ग करना पड़ता है, जन संसर्ग करेंगे तो फिर भजन में विघ्न बाधा आने लग जाती है, रजोगुण लोगों का संग प्राप्त होने लग जाता है, उससे उनको बहुत बहुत हानि उठानी पड़ती है भजन में, और बड़ा दुख होता संतों को कि ये शरीर के चक्कर में, भोजन के चक्कर में, वस्त्र के चक्कर में, बीमारी के चक्कर में, कुटिया के चक्कर में, अपनी कुटिया जैसे तैसे बना भी ले, फिर बिल भरते जाओ, फिर खर्चे, ये सब परेशानियां संतों को उठानी पड़ती है। अब वो जीवन नहीं रहा कि जंगलों में जाके तपस्या करें, भजन करें। तो इसलिए वृंदावन के संतों के लिए भी एक बार फिर सुनेंगे, जो भी सह मुझको सुन रहे हैं निम्बारक एवं इसरो टीवी चैनल के माध्यम से, प्रत्येक महीने की 26 तारीख को यहीं पर चरण छाया रुक्मिणी विहार चरण छाया
यहाँ आकर के अपना ट्रीटमेंट कराएं, अपना उपचार कराएं। कोई भी संत हो, बस आधार कार्ड अपना अपने साथ अवश्य लाएंगे और कोई शुल्क नहीं होगा, निःशुल्क ये सेवा होगी। इसलिए कोई भी संत आए तो मार्च में 26 मार्च को प्रत्येक महीना यहाँ कैंप लगेगा। अब ये चरण छाया कहाँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, रुक्मिणी विहार वृंदावन का प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पर जो सीएनजी पंप है बस इसके साथ में ही है चरण छाया। यहाँ ताज होटल बन रहा है, ताज होटल की क्रेन जिस साइड में लगी उस साइड जो बिल्डिंग है बस वही चरण छाया बिल्डिंग है। ये राधा कृष्ण प्रयास सेवा की ट्रस्ट की बिल्डिंग है। इसमें प्रत्येक माह संतों का निशुल्क उपचार होगा, प्रत्येक माह कैंप लगेगा। वृंदावन के लिए पूरे भारत का कोई भी संत आकर के वैद्य को दिखाएं और अपना निशुल्क उपचार कराएं। तो आप भाग्यशाली होंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपके जानकारी में कोई संत है तो उनको ये फ़ोन के द्वारा समाचार दे दें कि 26 तारीख को यहाँ आएँ। नानक वैद्य यूनानी एवं आयुर्वेदिक पद्धति से संतों का निःशुल्क उपचार करते हैं। राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट की तरफ से ये संतों की सेवा हो रही है, इस सेवा का लाभ अवश्य प्राप्त करें।